तो गाइस आज के इस वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज का दोस्तों जो वीडियो है कैसा होने वाला है। तो गाइस मैं ऐसे ही आज मॉर्निंग में इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने गाइस यू आर स्मार्ट मेकर के जो तारिक भाई है उनका ये वाला वीडियो आया। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो दरवाजे खोलकर मोबाइल के अंदर से तारिक भाई बाहर आ रहे हैं और एक डब्बा को उठा के वापस से दरवाजा बंद कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह का उन्होंने एक वीडियो बनाया है और इस वाले वीडियो में बहुत सारे बंदों ने उनसे पूछा है कि भाई हम इस वाले वीडियो कैसे बनाएं, ट्यूटोरियल दो प्लीज, अलग अलग करके यहाँ पर सवाल उनसे किया है। तो मैं गाइस आज आपके लिए इसी वाले वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो यार इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे किसी दरवाजे के सामने आपको चले जाना होगा। जाने के बाद साथ ही दरवाजे के आगे में किसी एक कलर के कपड़े को आपको रखना होगा। मेरे पास ग्रीन स्क्रीन था सो मैंने ग्रीन स्क्रीन को दरवाजे के सामने यहाँ पर रखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक वाटर बॉटल लिया है, ठीक है, और वाटर बॉटल को मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रख दिया है। अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके अपना वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मैं साथ हूँ, अपने हिसाब से अपना वीडियो को शूट किया हूँ, आप अपने हिसाब से अपना वीडियो को शूट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ 1.5K लाइक का, यानी 1500 लाइक का, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाय द वे गाइस आपको मैं अगर मेरा इस तरह से अगर सब्सक्राइबर इंट्रो एडिट करना सीखना है वो भी कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्क्रीन शॉट बना दूंगा। चलिए साथ में मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए काइनमास्टर ऐप का यूज करूँगा। अगर आपके फोन में काइनमास्टर ऐप पहले से इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर 6.2.4 वर्जन का लिंक दे के रखा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे 9:16 एस्पेक्ट रेशियो पे काइनमास्टर को ओपन करना होगा। अब आप इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर साथियों आपको बैकग्राउंड फोटो का लिंक मिल जाएगा, यानी इस वाली फोटो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इस वाली फोटो को सिलेक्ट करना होगा। फोटो सिलेक्ट करने के बाद फोटो का जो ड्यूरेशन है आप यहाँ पे अंदाजे में बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद साथियों आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में चले आना होगा। अब आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों अब आपको अपना रिकॉर्डिंग किया हुआ जो वीडियो है उस वाले वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ रॉ फाइल है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिक्सर वाले ऑप्शन में जाके वीडियो का जो ऑडियो है आप यहाँ पर म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करने के बाद साथियों वापस से वीडियो पे क्लिक करना है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो दरवाजा वाला हिस्सा है उसको गाइस आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्रॉप कर लीजिएगा, जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार से आपको करना होगा। करने के बाद साथियों अब आपको यहाँ पे जो नीचे में आपका बैकग्राउंड है इस वाले बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है। उसके लिए आप राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक क्रोमाकी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रोमाकी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। पहले आप इसको इनेबल कीजिएगा। अब की कलर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर गाइस जिस भी कपड़े कलर के कपड़े को आप बेचा के अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले कलर को आपको सेट करके आप यहाँ पर ओके प्रेस कीजिएगा। अब साथियों आपको इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना होगा। सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर इसको कर लिया हूँ। इतना कर लेने के बाद आपको अपने वीडियो के स्टार्टिंग तरफ में चले आना होगा। अब साथियों आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके अब आपको डिस्क्रिप्शन से मेरे ये जो मोबाइल का फ्रेम का PNG है इस वाले PNG को सेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो PNG है इसको रोड के बीचों बीच में आप यहाँ पर इस टाइप से आप रख लीजिएगा। रखने के बाद दोस्तों आपको इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा के जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब साथियों आपको अपना वीडियो को यहाँ पर एडजस्ट करना है। उसके लिए आप पहले वीडियो के कॉर्नर में आप यहाँ पर लाइएगा इसको और कुछ इस टाइप से गाइस इसको बड़ा करना है। तो मेरे कंडीशन में गाइस ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से पहले इस वाले कॉर्नर में इसको लाऊंगा, मतलब इस साइड मेरा दरवाजा खुलेगा तो मैंने इस साइड को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट किया। देख सकते हो मैंने ये जो फ्रेम है इसका सीधा सीधा मैंने कर लिया। अब मैं गाइस यहाँ पर चले जाऊँगा क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर और बाकी जो इस साइड का है इसको मोबाइल के फ्रेम के हिसाब से मैं इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको भी आपको मोबाइल के फ्रेम के हिसाब से ही कर रखना होगा, ठीक है। रखने के बाद साथियों अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बोतल का जो ढक्कन है मेरा यहाँ पे गायब हो गया है। उसके लिए भी गाइस आपको अपना वीडियो को यहाँ पर प्ले करना होगा और प्ले करके गाइस जहाँ पर दरवाजा खोल के मोबाइल के फ्रेम से आप बाहर जा रहे हो
उस जगह पर आप जी गए, यानी जैसे मैं यहाँ पर पैर बढ़ा रहा हूँ, मेरा पैर हवा में है, इतना पार्ट में है, देख सकते हो मोबाइल के जो ये इसी की जगह पे है, इस जगह पे आपको भी आ जाना होगा। आने के बाद यहाँ पर आप वीडियो पे क्लिक करके एक बार स्प्लिट आपको करना होगा। स्प्लिट करने के बाद साथ में आपको ये वाला जो क्लिप है इसका आप यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाइएगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर उस वाले डुप्लीकेट को क्लिक करना है। राइट साइड में अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और इसको गाइस आपको कुछ इसी तरह से ये जो बोतल वाला हिस्सा ना इसी को गाइस आप यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ बोतल वाला हिस्सा को आपको यहाँ पर रख देना होगा कुछ इस प्रकार से, मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ। रखने के बाद साथ ही अब आपको ये वाला जो क्लिप है इसका भी आपको यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना लेना होगा। जैसे गाइस आपका डुप्लीकेट बन जाएगा आपका वीडियो यहाँ पर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर आप अगर देखो देख तो मेरा फ्रेम के यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको गाइस आपको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। अब साथियों मैं अपने वीडियो को अगर शुरू से आपको प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो गाइस यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हो। मैं दोस्तों इस वाले वीडियो को जल्दबाजी में बनाया हूं। अब जितना गाइस इसको अच्छे से और टाइम देके बनाओगे आपका वीडियो उतना ही बढ़िया बनेगा। यहां पर अगर आप देखो तो इस साइड वाला पार्ट भी मेरा यहां पर बाहर चला गया, तो इसको भी गाइस मुझे अच्छे से इसको एडजस्ट करना, मतलब ये जो फ्रेम है फ्रेम के यहाँ पर ही रखना है, ठीक है। और इसको भी मुझे अच्छे से कुछ इसी तरह इसी जगह पर रख देना होगा। अब दोस्तों फाइनली और एक बार मैं दिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ वीडियो को प्ले करके देख सकते हो गाइस यहाँ पे कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा। अब वीडियो मेरा कितना यहाँ पे रियलिस्टिक लग रहा है आप देख सकते हो। या फिर मैंने पानी पी के वापस से मैं दरवाजे की ओर चल दिया। और वीडियो को दोस्तों सेव करने के लिए आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। 1080p60fps पर अपना वीडियो को आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है कैसा लगा आप मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है आप पूरा कर दीजिएगा। तब तक के लिए साथ में मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।